अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर अखिल राजस्थान कर्मचारी और संयुक्त महासंघ झालावाड़ के नेतृत्व जिले के समस्त कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल होने के लिए आज महासंघ द्वारा जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर को जिलाध्यक्ष राधेश्याम पंकज के नेतृत्व में 8 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन तथा 16 फरवरी की हड़ताल की सूचना का नोटिस दिया गया है। जिला महामंत्री मुश्ताक अहमद ने बताया कि राजस्थान में छत्तीसगढ़ सरकारें पुरानी पेंशन योजना को ही जारी रखें तथा पूरे देश में इसे शीघ्र ओपीएस लागू करें, साथ ही राज्य कर्मचारियों के पीएफआरडीए में जमा 41,000 करोड़ रुपए को लौटाना चाहिए, शिक्षकों के शीघ्र स्थानांतरण करना चाहिए, आठवां वेतन आयोग शीघ्र गठित किया जाए। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष मनोज कुमावर, शिक्षक संघ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अरविंद गौचर, उपाध्यक्ष बिरधी चंद विजयपुरिया और शारीरिक शिक्षक संघ के अलीम बेग और वन अधीनस्थ कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष रामस्वरूप गुज्जर व संघ जिलाध्यक्ष मंजू कारपेंटर सहित कई कर्मचारी उपस्थित रहे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ओपीएस लागू करो, ओपीएस लागू करो, ओपीएस लागू करो। ट्रांसफर हो गया। आज अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ और अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से 16 तारीख की जो हड़ताल की जा रही है उसका आह्वान के लिए और सूचना के लिए जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन में हमने 8 सूत्रीय मांग पत्र भी साथ में दिया है। उसमें मांग पत्र में पहली मांग हमारी ओपीएस की है, जो पूरे देश में जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से लागू हुई है उसी प्रकार से पूरे देश में एक साथ लागू की जाए। साथ ही हमारा जो 41,000 करोड़ रुपए का पीएफआरडी में जो पैसा रखा हुआ है रुपए राजस्थान गए, वो राजस्थान के रुपयों को कर्मचारियों को केंद्र सरकार तुरंत लौटाए। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू की गई है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, उसको रद्द किया जाए। साथ ही राजस्थान के जो कर्मचारी है वो स्थानांतरण के लिए कई बार पीड़ित हो रहे हैं, कई दिनों से मांग कर रहे हैं, उन सभी शिक्षकों के जो मांग कर रहे हैं उनको तुरंत स्थानांतरण की नीति बना करके, स्पष्ट पारदर्शी नीति बना करके तुरंत स्थानांतरण किया जाए। साथ ही हमारे जो संविदा कर्मी है वो संविदा कर्मी की जो परिपाटी है उसको बंद किया जाए और जो लगे हुए हैं उनको नियमित किया जाए। साथ ही जो पद हमारे बजट का कम करके कार्यालय में कम किए जा रहे हैं पदों को, उन पदों को घटाया नहीं जाए और नियमित नियुक्ति दे करके शीघ्र इस कार्य को करें। अगर नहीं करती है सरकार तो चेतावनी के तौर पर हम 16 तारीख को एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जा रही है, उस हड़ताल में राजस्थान का सारा कर्मचारी सम्मिलित होगा और ये महासंघ का आह्वान भी है कि सारे कर्मचारियों से ये आह्वान किया जाएगा कि 16 तारीख को पूर्ण रूप से झालावाड़ में उपस्थित रह करके एक रैली के रूप में उपस्थित होंगे और ज्ञापन दे करके इस हड़ताल को सफल बनाएंगे। ये हम सरकार को भी चेताना चाहते हैं साथ में कि जल्द से जल्द इन 8 सूत्री मांग पत्रों पर विचार करें, अन्यथा ये तो एक चेतावनी के तौर पर एक दिवसीय हड़ताल है, अन्यथा हम अनवरत लगातार हड़ताल पर जा सकते हैं और इसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की और सरकार की होगी। जय संगठन, जय भारत, कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद, कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद, कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद, भारत माता की जय।